आर्टिकल 370 के समर्थकों को मैं कहना चाहता हूं कि वो हरियाणा के गांव-गांव में जाकर इसके फायदे जरा लोगों को समझाएं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिन माताओं ने अपने वीर खोए हैं कश्मीर की धरती पर, घर में जवान पत्नी, छोटे छोटे बच्चे, उनसे विदाई लेकर के जो मेरा वीर जवान, हरियाणा का नौजवान जम्मू कश्मीर की रक्षा कर रहा था, वहां के निर्दोष नागरिकों की रक्षा कर रहा था, जिसको आतंकियों ने गोलियों से भून दिया और जो शरीर तिरंगे में लिपेट करके वापस लौटा था, उन माताओं को पूछो कि तुम्हारा 370 के प्यार ने कितने माताओं के बेटों को रौंद डाला है, कितनी बहनों को विधवा कर दिया है। भाइयों बहनों, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति के लिए अपनों को खोया है, उनको कांग्रेस के नेता बताएं कि आर्टिकल 370 से उनको इतना मोह क्यों है। कांग्रेसियों को, हरियाणा की बेटियों को, यहां के दलितों को भी जरा जाकर के बताना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में 370 ने वहां कैसे इन वर्गों का हित किया है। मैं जरा यहां के नेताओं को पूछना चाहता हूं, आज वोट लेने के लिए वाल्मीकि जयंती के नाम पर, वाल्मीकि के नाम पर भांति भांति के झूठ फैला रहे हैं। अरे आजादी के 70 साल हो गए, बनारस जहां से मैं लोकसभा का सदस्य, जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, बनारस की जनता ने मुझे भरपूर प्यार दिया है, संत रविदास की भूमि है, इतने इतने उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बन के गए, हर दल से नेता चुन करके आए, क्या कारण था इतने बड़े महापुरुष संत रविदास, उनकी स्थान का भव्य निर्माण क्यों नहीं किया? ये मोदी आया है, आज बनारस में संत रविदास का ऐतिहासिक स्मारक बन रहा है, तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि वहां के समाज के नेताओं ने मुझे उसके भूमि पूजन करने का सौभाग्य दिया था। मैं जरा ये लोगों की आंख में धूल झोंकने वाले नेताओं से पूछना चाहता हूं, दलितों को गुमराह करने वालों को पूछना चाहता हूं, वाल्मीकि समाज को उकसाने के लिए झूठ का सहारा लेने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की धरती पर मेरे जो वाल्मीकि भाई बहन रहते थे, अगर उनका बेटा ग्रेजुएट हो जाए, डबल ग्रेजुएट हो जाए, इंजीनियर हो जाए, लेकिन वाल्मीकि परिवार के बेटों को जम्मू कश्मीर सरकार में उसके हक की नौकरी भी नहीं दी जाती थी। और कारण क्या था? कारण 370 था, 35A था, और उसके कारण जम्मू कश्मीर की धरती पर वाल्मीकि समाज की चार चार पीढ़ी कितनी ही पढ़ाई क्यों न की हो, झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, इसके सिवाय वहां की सरकार ने कोई की भी काम देने के लिए उन्हें योग्य नहीं माना। हर बार 370 का बहाना बताया। और ये पाप दिल्ली में बैठी हुई सरकारों ने,
उस सरकारों का झंडा लेकर के चलने वाले हरियाणा के उन नेताओं ने पाप किया था। भाइयों बहनों, ये मोदी है। जिसने आर्टिकल 370 को हटा करके चार चार पीढ़ी से मेरे उन वाल्मीकि भाइयों बहनों पर जुल्म होते थे, एक झटके से चार पीढ़ी के अन्याय को मैंने खत्म कर दिया है।